नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो, मोदी सरकार जब से दोबारा सत्ता में आई, कहीं बड़े फैसले लिए जिस पर कहीं पार्टियां हैं जो बरसों से राजनीति करती आई। लेकिन दोस्तों यदि आप भी मानते हो कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपनी पत्नी जसोदा बेन से मुलाकात की है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, कहीं सालों बाद जो मोदी जी ने अपनी पत्नी से मुलाकात की है। इसका पूरा वीडियो आपको थोड़ी देर में लाइव दिखाया जाएगा। और साथ ही दोस्तों आज हम आपको बताएंगे देश से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। तो उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं मोदी जी और उनकी पत्नी के बारे में। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि मोदी जी और उनकी पत्नी कैसे अलग हुए हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आज भी मोदी जी की पत्नी है जो कि खुद के दम पर है जो कि छोटा मोटा कार्य करके अपना गुजारा करती है। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की पत्नी एक रिटायर्ड शिक्षिका है। बताया जाता है कि उनको वर्तमान में 14,000 रुपये पेंशन भी मिलती है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि भले ही मोदी जी और उनकी पत्नी कितने सालों से क्यों ना अलग रह रहे, लेकिन मोदी जी की पत्नी हमेशा से मोदी जी के बारे में अच्छा ही सोचती है। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी जब पहले प्रधानमंत्री नहीं बने, तब आज के मोदी जी की पत्नी ने कहीं बार कहा कि यदि उनके पति प्रधानमंत्री बनते तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। ऐसे में दोस्तों आप जानते हो इस समय मोदी जी देश के दोबारा प्रधानमंत्री है और देश के हित में कहीं बड़े कार्य करते जा रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि मोदी जी के ऊपर उनका परिवार और उनकी पत्नी गर्व करते कि उनका मोदी सरकार है जो इस समय देश के हित में कहीं बड़े कार्य करते जा रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, एक से बढ़कर एक फैसले लिए। जैसा कि आपको बता दें कि कश्मीर से धारा 370 और राम मंदिर का मुद्दा, दोस्तों आप जानते हो कि ये मुद्दे कितने सालों पुराने हैं जिस पर कहीं पार्टियां बरसों से राजनीति करती आई। लेकिन मोदी सरकार जैसे ही दोबारा सत्ता में हिम्मत दिखाकर है जो कश्मीर से धारा 370 को काटकर फेंक दिया, साथ ही राम मंदिर का फैसला भी हो गया है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी है जो अपना पूरा जीवन है जो इस समय देश की सेवा में लगा दिया है। साथ ही दोस्तों आपको आप जानते हो कि मोदी जी ने भी कहीं बार कहा है कि उनके लिए तो 125 करोड़ देशवासी उनके लिए उनका घर और परिवार है। और मोदी जी ने यह भी कहा है कि उन्होंने देश के लिए अपना घर और परिवार छोड़ा है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी को जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तो वो अपने परिवार वाले और अपनी माँ से मुलाकात करके ज़रूर आते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की माँ की उम्र हमें है जो कि लमसम है 97-98 साल हो चुकी हैं। मोदी जी को जब भी समय मिलता तो कुछ पल अपनी माँ के साथ वो ज़रूर बिता कर आते हैं। और इस समय मोदी जी जब से दोबारा सत्ता में है, कहीं बड़े फैसले लिए। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की जो शादी है गुजरात के एक छोटे से गाँव में हुई थी। दोस्तों आपको बता दें कि उस समय मोदी जी की शादी बड़े ही धूमधाम से की गई थी। आपको बता दें कि उस समय मोदी जी की उम्र है जो लमसम जो 20-22 साल थी और उनकी पत्नी जसोदा बेन की जो 17-18। आपको बता दें कि ये शादी सिर्फ 3 साल चली और इन 3 सालों में बताया जाता है कि मोदी जी और उनकी पत्नी का जो साथ है वो सिर्फ 3 महीने का ही रहा था। और आपको बता दें कि मोदी जी है जो कि संघ और आरएसएस से भी जुड़े हुए थे। और आपको बता दें उन्होंने अपना घर और परिवार छोड़कर वह फिर संघ के कार्यक्रम में चले गए। इसके बाद आपको बता दें कि मोदी जी 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे और साल 2014 में उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। और साल 2019 आते तो जी उससे भी बड़ी जीत के साथ जी मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि जब से मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने और जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जी भारतीय जनता पार्टी भी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आप जानते हो दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जी बीजेपी ने कई राज्यों में अपनी सरकार बनाई है और इस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि दोस्तों खैर जो भी, आज हम बात करने वाले हैं मोदी जी और उनकी पत्नी के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी और उनकी पत्नी के अलग होने के बारे में एक इंटरव्यू में पूछे गए सवाल में कि मोदी जी की पत्नी ने बताया कि दोनों का ना तो किसी तरह का झगड़ा हुआ ना कोई बात हुई। आपको बता दें कि वो देश की सेवा करना चाहते थे, इसीलिए अपना घर और परिवार छोड़कर चले गए। इस समय आप जानते हो कि दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी है जो लगातार देश की सेवा करते जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जो भारत देश के जितने भी दुश्मन देश थे उनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चाहे दोस्तों आप चीन ले लो, चाहे पाकिस्तान ले लो। दोस्तों आपको बता दें कि जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली है, तब से आज के यूं कह लीजिए इनके भी बुरा वक्त और बुरे दिन आने शुरू हो गए। आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान में खाने तक के लाले पड़े हुए हैं।
इस समय पाकिस्तान का साथ देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि पूरी देश और दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान ऐसा देश बना हुआ है जहाँ पर आतंकवाद पलता है और आतंकवाद को ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन इस समय भारत बहुत ही मजबूत स्थिति में, जब चाहे तब है, जिसकी दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना अच्छी तरीके से जानता है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान के समझ चुके हैं कि इस समय मोदी सरकार है जो बड़े से बड़ा एक्शन कभी भी एक ही झटके में ले सकती है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी और उनके परिवार के बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं देश से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि आप सभी के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार इस माह देगी मुफ्त LPG रसोई गैस कनेक्शन, आप भी इस तरह उठाइए लाभ, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। वहीं दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़ा, 73 दिन बाद एक्टिव केस 8 लाख से नीचे, 24 घंटों में 1500 से अधिक लोगों की मौत, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। वहीं दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी सियासी हलचल, 24 जून को PM मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। वहीं दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, दोस्तों आपको बता दें आज आधी रात के बाद 40 मिनट तक बंद रहेगी SBI की ये सेवाएं, कौन सी सेवाएं बंद रहेंगी आपको थोड़ी देर में पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। तो चलिए जानते अगली बड़ी खबर की, दोस्तों आपको बता दें कि UP में कल से मिलेगा फ्री राशन, गोरखपुर में 8.10 लाख कार्ड धारकों को जाने केतना और क्यों मिलेगा, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। तो चलिए दोस्तों जानते इन सभी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन देती है। आपको बता दें कि बिजनेस ट्रेंड और खबर के मुताबिक इसकी महीने में है जून का अगला चरण शुरू हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि मौजूदा योजना का चरण भी पहले जैसा होगा। आपको बता दें नियमों में बदलाव नहीं किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अगले चरण की शुरुआत अंतिम रूप में दिया जाएगा, अगले 2 महीने में इसे शुरू करने की उम्मीद है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर योजना के वितरण का ऐलान किया था। तो चलिए दोस्तों जानते अगली खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि लगातार कम हो रहे कोरोना वायरस के मामलों के बीच देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 62,480 नए केस सामने आए। वहीं इस दौरान 88,977 मरीज ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ देश में ठीक होने वाले कोरोना के मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। वहीं आपको बता दें कि जिसमें से दुख की बात यह है कि 24 घंटों के दौरान 1500 से भी अधिक लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवाई है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की सियासी एक बार फिर गर्मावट ले चुकी है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक पार्टियों को एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र के कई नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर चर्चा होने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों जानते अगली खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश, गोरखपुर समेत उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन का दूसरा चरण रविवार से शुरू हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना काल में प्रथम चरण के सरकार ने अप्रैल नवंबर तक मुफ्त राशन वितरण किया जाएगा। आपको बता दें कि CM योगी आदित्यनाथ की इसकी खुद आपको बता दें मॉर्निंग ट्रेनिंग करेंगे। उन्होंने निर्देश दिया है कि अगर ऐसे जरूरतमंद लोगों को जिन्हें निःशुल्क राशन नहीं प्राप्त हुआ निगरानी समेत तो उन्हें पूछा जाए। तो चलिए दोस्तों जानते अगली खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की कई सेवाएं शनिवार देर रात से 40 मिनट तक बंद रहेगी। इसमें आपको बता दें UPI और योनो जैसी फोन बैंकिंग सेवाएं भी शामिल हैं। तो चलिए दोस्तों जानते अगली खबर के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें जानने के लिए अभी हमारे चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।